बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के इसमें हम बनाने जा रहे हैं बीफ मिंस पिज़्ज़ा ब्रेड। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3 कप मैदा, इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए इंस्टेंट ईस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेगुलर चीनी, 1/4 कप या 4 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब मैदा इस तरह से बेंड होने लगे तो इसका मतलब है कि ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हमने नीम गर्म दूध लिया है 1 कप, इससे डो को गूंद लेंगे और अगर पानी की ज़रूरत हुई तो 1/2 कप के करीब पानी भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 कप के करीब पानी भी शामिल किया हमने इसमें और एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम डो पे ऑयल को लगा के 30 मिनट के लिए इसको राइज होने के लिए ढक कर रख देंगे। और फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे 700 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, 1/2 कप इसमें दही जाएगा, शिमला मिर्च चाहिए 1/2 कप बारीक कटी हुई, मकई के दाने या स्वीट कॉर्न हमें चाहिए 4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 लाल वाली थी और 1 ग्रीन थी, इन दोनों को बहुत बारीक काट लेना है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज इसको भी बारीक काट लेंगे, और मोज़रेला चीज़ चाहिए 1/2 कप, आप इसमें चेदर या कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल में हम पहले अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसमें साथ ही हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे। हरी मिर्चें और लहसुन को फ्राई करने के बाद अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे, इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने वाला काम हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें साथ ही सारे ड्राई मसाले भी शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अब हमने दही डाल देना है, साथ में 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देंगे जिसमें कीमा अच्छे से कुक हो जाएगा। अब इसको ढककर हम 10 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, कीमा अच्छे से हमारा कुक हो चुका है, कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका पानी भी बहुत कम रह गया है, इसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को आप हाई कर देंगे
अब इसमें शिमला मिर्च डाल के इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने स्टिर फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना। प्याज भी शामिल कर देंगे और इसको भी हल्का सा हमने फ्राई करना है। स्वीट कॉर्न चूंकि हमारे जो है वो कुक्ड हैं कैन वाले थे, इसलिए हम इनको लास्ट पे ऐड करेंगे। और इसमें मोजरेला चीज भी ऐड कर देंगे ताकि जो मिक्सचर है वो टुगेदर हो जाए, एक क्रीमी सी फॉर्म इसमें चीज़ी सी आ जाए, इकट्ठा हो जाए सारा मिक्सचर। इसलिए हम ये चीज़ इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कीमा है तो कीमा बिखरता है। आप इसमें वाइट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें चीज़ यूज करेंगे इसको तैयार करने के लिए। चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, आप फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और बैटर को ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया, तो हम साइड पे कर लेंगे और डो की तरफ चलते हैं। डो हमारी राइज हो चुकी है, इसको पहले पंच करके सारी एयर जो है निकाल लेंगे। सरफेस पे हम मैदा डस्ट कर लेंगे और डो को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और इसके सेंटर में से हम पीसेस कर लेंगे। कन्वर्ट कर लेंगे और इसको बेलकर एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। आप मोटाई देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी हमने क्योंकि इसमें यीस्ट है तो ये बाद में फिर फूलेगी। इनको बराबर सेंटर में से भी हमने कट करना है और साइड से भी बिल्कुल इक्वल कर लेनी है। ये है चिली गार्लिक सॉस, आप पिज़्ज़ा सॉस या केचप भी यूज़ कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और
और इसके ऊपर फिर जो कीवी की फिलिंग बनाई थी उसको डाल देंगे। सेंटर में लंबाई में हमने इसको डालना है क्योंकि साइड से ये फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, आप एलोपिनो या ग्रीन ऑलिव जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ पिज़्ज़ा का एक टेक्सचर आएगा। और ये कुछ मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस हम इस पर रख देंगे और जो दूसरा पीस है उसको सेंटर में से कट लगाएंगे। आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, इसको हमने इस तरह से बनाया है जालदार। आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से बना लें। को दूसरी फिलिंग वाली ब्रेड के ऊपर रख के अच्छी तरह से साइडों से हमें इसको बेंड कर लेना है। और इसके किनारों को मोड़ के हम बंद कर लेंगे। किनारों को मोड़ने के बाद इसको हमने फॉक कर लिया था जिससे साइड्स जो है वो अच्छी तरह से बंद हो गई हैं। अब इस पर अंडे की सर्दी हमने फेंक के रखी थी वो हम इस पर ब्रश कर लेंगे। अच्छी तरह से जर्दी को स्प्रेड करने के बाद सफ़ेद और काले तिल हमें इस पर डाल देने हैं, इस पर ज़रूरत थोड़े थोड़े जो भी अवेलेबल है सीजनिंग के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर डेकोरेशन के लिए एक एक ऑलिव लगा देंगे, इससे ये थोड़ी खूबसूरत लगती है। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप करते। यहाँ पे एक कटोरी मैंने रखी थी पतीले में बेक करने के लिए, आप ये इसमें रख के हमने 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे करना है और इस फिश ब्रेड स्टाइल की भी हमने बनाई थी। तो ये बेक हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जल्दी चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।